नागजरी पुलिस ने गोलीकांड के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है नागजरी पुलिस ने दो दिन पहले हुए गोलीकांड के आरोपी रवि ठाकुर को कल रात सांवेर से गिरफ्तार कर लिया है रवि ने पच्चीस हजार के लेन देन को लेकर अपने दोस्त लगनराज ठोर को दिन दहाड़े डी के पीछे सिर में गोली मार दी थी तभी से रवि ठाकुर फरार था जिसकी तलाश में पुलिस ने इंदौर मक्सी साजापुर सहित आसपास के इलाकों में छापामार कार्रवाई की थी कल रात को पुलिस को आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली थी गिरफ्तारी के दौरान आरोपी रवि ने पुलिस से झूमा छटकी कर फरार होने की कोशिश की थी जिसमें वह घायल हो गया जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि रवि ठाकुर की गिरफ्तारी पर उच्चैन एसपी द्वारा दस हजार का नगद इनाम रखा था आरोपी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है घटना को देखते हुए थाना नागरी पे अपराध पंजीबद्ध कर तीन सौ सात का विवेचना में लिया गया था जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी के खिलाफ दस का इनाम घोषित किया गया था और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सी एस पी महोदय के द्वारा टीम घटित की गई थी और हमारी टीम दो दिन से लगातार आरोपी के पीछे लगी हुई थी और मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि उसका मौसी का गांव है शहदा करके एक गाँव है पन पिपलई के आगे वहां पे उसे उसकी छुपे रहने की आशंका थी तो टीम के साथ में वहां दबिश दी गई आरोपी को पकड़ा फिर उसके उसके पास जो घटना में उसने जो पिस्टल यूज़ करी थी उसको भी उसके कब्जे से जब्त की गई आरोपी अस्पताल में भर्ती किया है किस प्रकार से घायल हुआ था जी जब इसका इसको पकड़ने के लिए टीम ने दबिश दी थी तब तो वहाँ पे इसने भागने का प्रयास किया था जिसकी वजह से वो गिर गया था तो उसके पैर पे चोट आई थी